जिस सिस्टर का नाम बलजीत कौर है और जीवला गांव की रहने वाली है, और जिस सिस्टर की टेस्टामनी जे कि जिस सिस्टर एक साल से किराए के घर में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, और जिसके कारण जे बहुत परेशान थे और जे अपना घर लेना चाहते थे, और जिस सिस्टर बता रही कि जैसे जे अपना घर लेना चाहते थे उसके लिए इन्होंने अपना लोन अप्लाई किया, और जिस बैंक में अपना लोन अप्लाई किया था वो लोन इनका कर नहीं रहे थे, और उसका कारण जे था, और जे बता रही कि वो जो जिस घर के ऊपर इन्होंने लोन लिया था और उनका घर जो था वो जो मालक थे ऑनर थे वो अलग अलग उनकी तीन पार्टी थी और उनकी तीन रजिस्ट्रियाँ मांग रहे थे बैंक वाले। तो जैसे इन्होंने वो तीन रजिस्ट्रियाँ तो हो गई, इन्होंने दे दी, पर अभी वो चौथी रजिस्ट्री भी मांग रहे थे, और वो चौथी रजिस्ट्री मांग रहे थे कि वो 2004 की होनी चाहिए, पर वो रजिस्ट्री इनके पास नहीं थी, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। और जे सिस्टर बता रहे कि इन्होंने बहुत ऐसे परेशानी में जे बहुत परेशान हो चुके थे, और जैसे ही जे पिछले संडे ऐसे संगति में आए तो पहले तो जे बता रहे कि जे बहुत परेशान हो चुके थे इसके कारण। तो जे सिस्टर बता रहे कि जैसे तीन रजिस्ट्री हैं तो इन्होंने दे दी थी, क्योंकि इन्होंने उस घर के लिए बयाना भी दे चुके थे, और बयाना देने के बाद ये बता रहे कि जो लोन लेना चाहते थे उसके लिए भी पैसे दे चुके थे, और इसके कारण जो इनके कुल जो इनका खर्चा था, जो कुल पैसे थे इनके, तीन लाख ऐसे इनका लग चुका था, और ये बहुत परेशान हो चुके थे कि इतने पैसे भी हमारे लग चुके हैं और अभी इनका लोन भी नहीं हो रहा था, और जो घर लेने की इनकी चाह थी वो ऐसे काम नहीं था हो रहा, जिसके कारण ये बहुत परेशान हो चुके थे। तो जैसे जी सिस्टर पिछले संडे की मीटिंग में आए तो प्रभु के दास मास प्रेयर कर रहे थे, और इनके लिए प्रोफेसी हुई, भविष्यवाणी हुई। सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। एक बहन है, मैं एक बहन को देख रहा हूं, बड़े लंबे समय से वो अपने घर के लिए बहुत बार उसने सोचा है, मगर उसका घर बन नहीं रहा। आप में से ही है, पर उसका घर बन नहीं रहा। परमेश्वर उसको आशीष दे रहे, उसका घर जल्दी बनने वाला है। मैंने कहा वो लंबे समय से अपने घर के लिए सोच रही है पर उसका घर बन नहीं रहा, पर परमेश्वर का आत्मा आपके लिए आपको ब्लेसिंग दे रहा, और आपका आप बहुत जल्दी अपने घर की उस बनने की आशीष से आओगे। आमेन, हालेलुया। और जैसे ही जिस सिस्टर ने रिसीव किया और जे आगे आए, अभी हम उस क्लिप को भी देखेंगे। तो प्रेर जी, जो वो बहन है जिस जो लंबे समय से अपने घर के लिए चाह रही है, और जे आज विश्वास करते कि परमेश्वर इनको घर के साथ ब्लेस कर चुके हैं। आमेन। यहोवा दा आत्मा जो उधर बोलता है, बोलो कि यहां किधर वो बोलता है, हालातों कैसे, ये सॉन्ग पता है किसी? हम जानते नहीं, यहोवा का रूह जदो बोलता है, हाँ यही अच्छा बोलता बोलता, हाँ कैसे बोलो, हम जानते ने तूफान जदो यीशु बोलता, हम जानते ने तूफान जदो यीशु बोलता, नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, हम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा। आमेन। आपको पता कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपकी जैसे बिजनेस पर, आपके बच्चों पर, आपकी कुछ आशीषों पर जो कंट्रोल करके रखा है, हाँ अभी से घर की जरूरत है, पर किसने किसका कंट्रोल है, किसका कंट्रोल है? अगर यहोवा ने, उसके रूह ने, उसके आत्मा ने इसके लिए बोला, तो बहुत जल्द मेरी बहन अपनी गवाही से आएगी। धन्यवाद करते रहना। आमीन, आमीन। तो जैसे जे सिस्टर ने ऐसे रिसीव किया, और जे बता रही कि जैसे जे नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जे बहुत परेशान हो चुके, क्योंकि जे सिस्टर ने बताया कि जे 3 लाख रुपया भी दे चुके थे, और इन्होंने बताया कि जो चौथी रजिस्ट्री 2004 की होनी चाहिए वो इनको मिल नहीं रही थी। तो फिर से जे सिस्टर ने ऐसे टीम के साथ ऐसे प्रेयर टावर में कॉल की और टीम के साथ बात की,
तो जैसे टीम की प्रभु के दास के साथ बात हुई और प्रभु के दास ने इनके लिए मैसेज दिया कि आप उनको बोलो कि अगर जो चौथी रजिस्ट्री नहीं हो रही तो आप उनके उस चीज के लिए पर चिंता ना करो, जो वचन आपके लिए परमेश्वर की ओर से आया है आप उसके लिए विश्वास करो कि परमेश्वर आपके लिए कर चुके। तो जैसे ही जिस सिस्टर को मैसेज दिया गया और जिस सिस्टर ने बताया कि इन्होंने ऐसे विश्वास किया कि सच में जो खुदावन परमेश्वर आपके मुख से जो उस दिन मेरे लिए प्रोफेसी वर्ड आया है मैं रिसीव करती हूँ, तो जिस सिस्टर ने प्रार्थना की, तो जैसे इन सिस्टर ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और जो बैंक वाले तीन रजिस्ट्री से भी नहीं थे मान रहे वो चौथी भी मांग रहे थे, तो वो तीन से ही परमेश्वर ने उनका मन कैसे बदल दिया और वो तीन रजिस्ट्री से उन्होंने इनको बोला कि आपकी जो रजिस्ट्री हो चुकी है और परमेश्वर ने वो जो घर था घर के साथ इनको ब्लेस किया। और जिस सिस्टर बता रही कि जैसे जी पहले परेशान थे और आज इस सिस्टर ने उस घर को खरीद लिया है और जे बहुत खुश है कि परमेश्वर ने जो लंबे समय से एक साल से जे अपनी सोच को लगा रहे थे पर वो काम नहीं था हो रहा, तो परमेश्वर ने आज इस सिस्टर को घर के साथ ब्लेस किया है और जे बहुत खुश है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। घर की पिक्स और हम उस पिक को भी देखेंगे जो घर की है। और जी उस घर की पिक है जिससे परमेश्वर ने जिस सिस्टर को ब्लेस किया है। और अभी हम इनकी सेकंड गवाही भी सुनेंगे और इनकी सेकंड गवाही जे कि जैसे जिस सिस्टर ने उस घर को लेने के लिए लोन लिया था और उस लोन की किस्त जाती थी, तो जिस सिस्टर कचहरी में डीसी ऑफिस में स्वीपर की जॉब करते थे, तो जिस सिस्टर बता रहे थे कि जो लोन की किस्त देने थी तो उसके लिए जी काफ़ी परेशान होते थे क्योंकि उस सैलरी से भी जिनका काम नहीं था हो रहा जे परेशान थे, तो जी और भी काम करने के लिए सोच रहे थे। तो जैसे जे तो अपनी सोच तो लगा रहे थे पर जैसे जी नेक्स्ट अपनी जॉब के लिए गए तो वहां पर जाकर इनको पता चला कि पहले इनकी जो सैलरी थी वो 3000 रुपया था और जैसे इनको पता चला कि इनकी जो सैलरी है वो उन्होंने बताया कि आपकी सैलरी बढ़ गई है और 6000 रुपया इनकी सैलरी बढ़ा दी, अभी इनकी 29000 रुपया सैलरी हो गई है जिसके लिए इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने इनको दोनों गवाहियों के साथ ब्लेस किया है और ये बहुत खुश है इस आशीष के लिए। हम सब तारीफ करेंगे ऐसे खुशी विच अख पर आइए सारी खुशी मैनू यीशु ने बताइए ऐसे खुशी विच अख पर आइए खुशी मैनू यीशु ने बताइए ऐसे खुशी विच अख पर आइए सारी खुशी मैनू यीशु ने बताइए ऐसे खुशी विच अख पर आइए ओ जे लोका विच देनी मैं दवाई एक नचने नु दिल भरदा जो काम मनुष्यों से नहीं, यीशु ने कहा जो काम मनुष्यों से नहीं किससे हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ, असंभव चीज को भी कौन संभव करता है। हाँ बोलो क्या अभी एक ये पॉइंट भूल गए, अगर क्योंकि वो जिस बैंक से इन्होंने अपना लोन अप्लाई किया अगर वो लोन इनका ना होता तो जो 3 लाख रुपया इन्होंने दिया था प्लस उसी से ब्याना, आपने कितना ब्याना दिया था पहले ब्याना देता सही में 70000 रुपया 70000 रुपया ब्याना और 3 लाख में ब्याजी चुके देता ही मेरा वो भी मिट्टी हो जाना। ओ 70000 रुपया ब्याना और 3 लाख ब्याजी किस वो किसे दिया था उन्हें
एक लाख दिता सी उन्हां नूं रजिस्ट्री वास्ते, रजिस्ट्री वास्ते बैंक वालों को, दो लाख दिता सी बैंक वाले आनूं, दो लाख बैंक वालों को और एक लाख किसी, एक लाख रजिस्ट्री वास्ते, रजिस्ट्री वास्ते। हाँ? देखो मतलब अगर वो चीज ना होती, बोलो, अगर वो चीज ना होती तो वो 370,000, हाँ 3 लाख तो अलग और 70,000 रुपया जब परमेश्वर साथ हो, इसलिए प्रभु ने कहा जो काम मनुष्यों से नहीं किससे हो सकता, किससे हो सकते, जो काम कहीं से नहीं हो सकता कि कौन कर सकता है। जहां पे डॉक्टर भी, दुनिया वाले भी, सब कोई कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, वहां पे कौन कर सकता है? परमेश्वर। कौन कर सकता है? उस परमेश्वर के लिए और इस आशीष के लिए और सब बातों के लिए हम जोर से सब फिर एक बार तारीफ करेंगे, जोर से, जोर से। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हम आपको मुबारकबाद देते हैं उस नए घर के लिए, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर आपको उस घर में और भी आशीष दें और ज्यादा अपने प्रेम में बढ़ाएं। आमीन।